हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो इंटीग्रेंड है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, राइट? तो यहाँ पर हमें इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, और जो इंटीग्रल है वो है 0 to √3 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 tan inverse x dx, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस इंटीग्रल को हम आई ले लेते हैं, राइट? और यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करेंगे, राइट? तो चलिए इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 tan inverse x, राइट? तो ये इंटीग्रल जो होगा, आई जो बन जाएगा वो हो जाएगा 0 to √3 एंड विल हैव एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट? तो चलिए अब इस इंटीग्रल को हम एज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे, राइट? इस इंटीग्रल को हम मेथड ऑफ इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, और लेकिन यहाँ पर हम इसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो चलिए एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 tan inverse x, राइट? तो ये सब्स्टिट्यूशन हम ले लेंगे, टी इज इक्वल टू 2 tan inverse x, और डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डी टी ओवर डी एक्स हमारे पास आ जाएगा 2 over 1 plus x square, राइट? तो टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो 1 over 1 plus x square हो जाएगा, राइट? ओके, तो चलिए अब यहाँ से जो टी इज इक्वल टू 2 tan inverse x हमने लिया है, यहाँ से हम एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में फाइंड आउट करते हैं। तो एक्स या हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ओवर 2, राइट? सो एक्स इज इक्वल टू टेन टी ओवर 2, राइट? तो एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो टेन ऑफ टी ओवर 2 हो जाएगी, और इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 over 1 plus टेन स्क्वायर टी ओवर 2, राइट? एंड 1 plus tan square theta जो होता है वो हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा मिल जाता है, राइट? सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। सो हियर विल मेक यूज ऑफ दिस आइडेंटिटी। सो विल हैव 2 over सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2, राइट? सो डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 over सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2। सो देयर फोर डी एक्स कैन बी रिटन एज हाफ सेक स्क्वायर टी ओवर 2 डी टी, राइट? तो डी एक्स की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी, क्लियर? ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर टी इज इक्वल टू 2 tan inverse x सब्सटीट्यूट किया है, तो अब हम क्या करेंगे, एक्स यहाँ पर वेरी कर रहा है 0 से √3 तक, तो हम क्या करेंगे कि टी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सो टी इज इक्वल टू 2 tan inverse 0, बिकॉज यहाँ एक्स की वैल्यू हम 0 रखेंगे और टेन इनवर्स 0 की वैल्यू हमें 0 मिलती है, तो 2 टाइम्स 0 इज 0, राइट? सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, राइट? एंड सिमिलरली व्हेन एक्स इज स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन टी इज इक्वल टू 2 tan inverse √3, क्लियर? एंड टेन इनवर्स रूट 3 इज गिवन बाई पाई ओवर 3, राइट? सो टेन 60 degrees इज इक्वल टू पाई ओवर 3 रूट 3। सो वी कैन राइट टेन पाई ओवर 3, दैट इज टेन 60 degrees इज इक्वल टू रूट 3, क्लियर? सो टेन इनवर्स रूट 3 इज इक्वल टू पाई ओवर 6, सॉरी पाई ओवर 3, एंड हियर विल हैव 2 पाई ओवर 3, राइट?
तो जब एक्स 0 से √3 तक वेरी करेगा तो टी की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 2π/3 तक। तो अब हम इस इंटीग्रल आई को इस तरीके से लिख सकते हैं, राइट। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2π/3 एंड फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 tan inverse x वी कैन राइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी, और dx की जगह हम यहाँ पर रख लेंगे हाफ sec स्क्वायर टी ओवर 2, राइट। तो ये इंटीग्रल जो होगा अब इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो लिमिट्स हैं लिमिट्स को देखते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें लिमिट्स जो टी में लिमिट्स दे रखे हैं वो 0 से टी इज इक्वल टू 2π/3 दिया हुआ है, राइट। तो चलिए 2π/3 को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 3.14 रखते हैं। तो 2π की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, दिस इज 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी कि 6.28, राइट। और 2π/3 की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी 6.28/3, और अगर हम 6.28 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 2 ज़ा 6, एंड हियर विल हैव 0 एंड 3 9 ज़ा 27, राइट। सो विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 2π/3 इज इक्वल टू 2.09, राइट। तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.09, राइट। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर हम इस नंबर लाइन को हम यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें t इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास है 2.09, राइट। और अगर हम 0 और 2.09 के बीच में जो इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो इंटीजर्स आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, वो आ जाएंगे हमारे पास 1, राइट, एंड 2, क्लियर। सो टी इज इक्वल टू 1 एंड टी इज इक्वल टू 2 एग्जिस्ट बिटवीन 0 एंड 2.09, राइट। तो दो इंटीजर्स हमें मिलेंगे इन दो लिमिट्स के बीच में, 0 और 2π/3 के बीच में हमारे पास दो इंटीजर्स मिलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस इंटीग्रल को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, राइट। सो वी कैन राइट आई एज I1 + I2 + I3, राइट। तो I1 क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 हमें मिल जाएगा 0 to 1, राइट, फ्रॉम 0 to 1, एंड I2 मिल जाएगा हमें, यहाँ पर लिख सकते हैं हम, I2 मिल जाएगा हमें 1 से 2 तक, क्लियर। सो 1 to 2 मिल जाएगा, और I3 हमें मिल जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं I3 को, तो I3 मिल जाएगा हमें 2 से 2.09 तक, राइट, 2 से 2.09 तक। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2.09, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2π/3, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो फंक्शन है उसे लिख लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर टी, देन वी हैव हाफ सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2 dt, एंड हियर ऑल्सो विल हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर टी हाफ सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2 dt, एंड हियर ऑल्सो विल हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर टी एंड हाफ सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2 dt, राइट। तो अब हमें यहाँ पर I1, I2 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, क्लियर। तो अगर हम I1 को देखें तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो 0 से 1 तक हैं, राइट। यानी कि टी जो है वो वेरी कर रहा है 0 से 1 तक, क्लियर। सो व्हेन टी लाइज बिटवीन 0 एंड 1,
देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो ये वैल्यू हमने लिखी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का यूज करके। तो जब टी की वैल्यू जीरो और वन के बीच में होगी, जीरो और वन के बीच में होगी, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू होगी वो जीरो होगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जब जीरो रखेंगे तो आई वन जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बिकॉज ये जो इंटीग्रेंड है ये जीरो हो जाएगा, क्लियर। तो आई वन की वैल्यू हमें डायरेक्टली यहाँ पर जीरो मिल गई है। तो चलिए अब हम आई टू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो टी की वैल्यू है वो वन और टू के बीच में लाई करेगी, राइट। सो टी इट लाइज बिटवीन वन एंड टू, राइट। सो व्हेन टी लाइज बिटवीन वन एंड टू, ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इज इक्वल टू वन, राइट। तो जब टी की वैल्यू वन और टू के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू वन होगी, क्लियर। तो यहाँ पर हम अब वन रख सकते हैं, तो ये इंटीग्रल जो होगा वो बन जाएगा हमारा वन टू टू, यहाँ पर आ जाएगा वन एंड हाफ सीकेंट स्क्वायर टी ओवर टू डी टी, राइट। तो अब हमें यहाँ पर हम हाफ को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो हमें मिल जाएगा वन टू टू एंड हियर विल हैव सेक स्क्वायर टी ओवर टू डी टी, राइट। और सीकेंट स्क्वायर टी ओवर टू का जो इंटीग्रल होगा वो हो जाएगा टू टाइम्स टेन टी ओवर टू, राइट। एंड लिमिट्स आर फ्रॉम वन टू टू, क्लियर। सो टू एंड टू गेट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद टेन टी ओवर टू एंड हियर द लिमिट्स आर फ्रॉम वन टू टू, क्लियर। तो यहां पर हमने क्या यूज किया कि जो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो 10x होता है, क्लियर। तो सेकेंड स्क्वायर टी ओवर 2 का जो इंटीग्रल होगा वो 2 टाइम्स 10 टी ओवर 2 होगा, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 10 टी बाई 2 मिल जाएगा, लिमिट्स 1 से 2 तक हो जाएंगी, क्लियर। तो अब हम यहाँ पर लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए हमें आई टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 2 ओवर 2, यहाँ t की जगह 2 रखेंगे, माइनस 10 1 ओवर 2, यहाँ t की जगह 1 रखेंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 10 1 माइनस 10 हाफ, राइट। सो द वैल्यू ऑफ i2 इज 10 1 माइनस 10 हाफ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं i1 की वैल्यू तो हमें मिल गई थी 0, और i2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी टेन वन माइनस टेन हाफ, राइट। तो चलिए अब हम आई थ्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आई थ्री में हम यहाँ देख रहे हैं कि टी की वैल्यू जो है वो टू और टू पाई बाई थ्री तक वैरी कर रही है, राइट। सो टी इट लाइज बिटवीन टू एंड टू पाई बाई थ्री, राइट। तो अगर हम 2 पाई बाई 3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 2.09 यहाँ पर अगर लिख लें तो हमें मिल जाएगा 2 लेस देन और एंड इक्वल टू टी एंड लेस देन 2.09, राइट। तो जब टी की वैल्यू 2 और 2.09 यानी कि 2 और 2 पाई बाई 3 के बीच में होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 2 होगी, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर टी की वैल्यू जो 2 होगी इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई थ्री की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 पाई बाई 3 एंड हियर विल हैव 2 फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी एंड हियर वी हैव हाफ सीकेंट स्क्वायर टी ओवर 2 डी टी, राइट। सो 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड, क्लियर। सो आई थ्री हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2 से 2 पाई बाई 3 और हमें मिल जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी ओवर टू डी टी, राइट। तो जैसे कि हमने आई टू में लिखा था सीकेंट स्क्वायर टी ओवर टू का इंटीग्रल लिखा था हमने 2 टेन टी बाई 2, तो उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 2 टेन टी ओवर टू इज द इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर टी ओवर टू
और लिमिट्स हो जाएंगी 2 से 2 पाई बाई 3 तक, राइट। तो यहाँ पर हम 2 को बाहर ले लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा tan t ओवर 2, लिमिट्स आ जाएंगी 2 से 2 पाई बाई 3, और यहाँ पर अब हम t की जगह 2 पाई बाई 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा tan पाई ओवर 3, राइट, बिकॉज दिस 2 एंड दिस 2 गेट कैंसल्ड, सो दिस इज tan पाई बाई 3 माइनस tan 2 ओवर 2, बिकॉज द t इज इक्वल टू 2, सो 2 एंड 2 गेट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विद tan 1, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और tan पाई बाई 3 की जो वैल्यू होगी वो tan 60 डिग्रीज होगी, राइट, तो जिसे हम रूट 3 लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास tan 1, राइट। सो द वैल्यू ऑफ i3 इज इक्वल टू 2 रूट 3 माइनस 2 tan 1, राइट। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 रूट 3 माइनस 2 टाइम्स tan 1। तो चलिए अब हमें i1, i2 और i3 की वैल्यू मिल गई है, तो i की वैल्यू हो जाएगी i1 प्लस i2 प्लस i3, राइट। तो i1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, i2 की वैल्यू हो जाएगी tan 1 माइनस tan हाफ, एंड द वैल्यू ऑफ i3 इज 2 रूट 3 माइनस 2 टाइम्स tan 1, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा 2 रूट 3, और दिस इज माइनस tan हाफ, एंड tan 1 माइनस 2 tan 1 इज इक्वल टू माइनस tan 1, राइट। सो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल दैट इज फ्रॉम 0 टू रूट 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 tan इनवर्स x इज गिवन बाई 2 रूट 3 माइनस tan हाफ माइनस tan 1,